औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो जो अब हम निकले थे अलखबर से, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मिकात पे, ठीक है। तो ये तकरीबन हम कोई 1000 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। कल हम 2 बजे के निकले हैं, तो आज तकरीबन सुबह के 6 बज चुके हैं, 6:10। तो अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं मिकात करन अल मनाजल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आते हैं आप उमरा करने, तो जब भी डिफरेंट एरिया से आप आते हैं तो वहाँ पे रास्ते में मक्का की हदूद से पहले मिकात आती हैं, जहाँ पे आप एहराम बांधते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एहराम की भी फैसिलिटी दी जाती है, मतलब यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं काफ़ी, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उमरा से रेलिवेंट आप बाय कर सकते हैं। उसमें चप्पल वगैरह, बैग होते हैं जो आपने अपनी कमर पे बांधने होते हैं, आपका जो ज़रूरी सामान, मोबाइल, पर्स वगैरह डालने के लिए, और उसके अलावा एहराम मिल जाता है। उसके अलावा छोटी मोटी किताबें मिलती हैं जिन पर मसनून दिवाएँ लिखी होती हैं, उमरा का तरीक़ाकार लिखा होता है, ठीक है, जो आपके लिए बड़ी मददगार और हेल्पफुल होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है मिकात अल मनाज़िल। देखिए जी, ये आपको जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वाइट कलर की, यहाँ पे जो है शॉप्स वगैरह हैं, आप जो ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरी इस साइड में भी ये जितनी भी शॉप्स हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी रुकी थी शॉर्ट टाइम के लिए, मेरे पास एहराम था ऑलरेडी, तो मैं वहाँ पर नहीं उतरा, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। तो उसके अलावा एक यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ी शॉप है, या पूरी मार्केट है, शॉप तो नहीं है, पूरी पूरी मार्केट से आप आराम वगैरह ख़रीद सकते हैं। फिर यही साइड पे ये जो आपको नज़र आ रही है, जितने भी हैं यहाँ पे, ये वॉशरूम्स हैं, यहाँ पे नहाने की जगह है, क्योंकि आराम बांधने से पहले नहाना पड़ता है, तो ये यहाँ पे आराम की जगह है, आराम बांधा जाए, नहा के आराम बांधा जाता है। उसके साथ ही ये है जी मिकात करन अल मनाज़िल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फजर की नमाज़ भी अदा की है और उमरा की नियत की है, 2 रकात नमाज नफल भी अदा की हमने। तो ये हमारी बस खड़ी है, ठीक है जी, बस नंबर 12 गोल्डन उमरा सर्विस वाले की तरफ से। तो अभी तक तो हमारा सफ़र माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुज़रा। उसी के अलावा यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये यहाँ पे देहात है, टाउन है, ये मिकात के साथ ही। तो ये पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है, रास्ते में काफ़ी डेजर्ट भी था, सफ़र भी बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए जहाँ पे मखसूस जगह जहाँ पे हम ठहर रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी मिकात है और ये बहुत बड़ा एरिया, ये छोटा सा एरिया नहीं है, ये इसका गुंबद है और ये सारा एरिया जो है ये मिकात का, ये पार्किंग है। यहाँ पे 24 घंटे 12 महीने मेरे मौला का ऐसा फजल है, ऐसा करम है कि उसके ये गुनाहगार बंदे उसके घर की तरफ चलते ही रहते हैं। इस मिकात पे आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे आपको रश मिलेगा, इस मिकात पे नहीं, किसी भी मिकात पे आप आएंगे, लाखों के हिसाब से उमरा ज़ायरीन आते हैं अपने हालुक मालिक, अपने अल्लाह ताला के घर का दीदार करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी रश लगी रहती है और मेरी ये दुआ है, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को अपने घर का दीदार नसीब फरमाए और बार बार अपने घर पर आने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमारी बख्शिश फरमाए, ठीक है। तो ये है छोटा सा व्लॉग मिकात का, और इससे रेलिवेंट ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये इसके साथ ही ये छोटा सा टाउन है इस मिकात के साथ। तो अभी हमारे भी वो जो है बस ड्राइवर हैं वो हॉर्न दे रहे हैं कि भाई आ जाए, हम आगे का सफ़र शुरू करें मक्का की तरफ। तो ये था जी हमारा आज का तीसरा व्लॉग, तीसरी एपिसोड थी हमारी। तो इसके बाद इंशाल्लाह अब हम मक्का में जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वैसे भी ये कोई पब्लिसिटी स्टंट वगैरह नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी तौफीक दी है, मैं पहले भी 5-6 दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन इस टाइम फिर मैं पाकिस्तान चला गया था,
तो पाकिस्तान से फिर वापस आया तो तकरीबन 20 दफ़ा 2-3 साल लग गए। तो वैसे पर सऊदी अरब में रह के हर 2-3 महीने बाद कोशिश करनी चाहिए उम्रा करने की, लेकिन क्या करें, मजबूरियां भी होती हैं, सुस्ती भी कह लें, लेकिन जो वर्कर लोग हैं जो कंपनीज़ में काम वगैरह करती हैं, कंपनी नहीं छोड़ती रोज़ रोज़ उम्रा के लिए, तो कभी कभार बंदा आ सकता है। तो ये भी देखें, ये बस निकल रही है मेरी बैक साइड से, इससे पहले कि मेरी भी बस निकल जाए मैं अपनी बस तक पहुँचूँ, और इंशाल्लाह अब मैं मक्का जाऊंगा, वहां से मैं जो भी हो सके वीडियो कवर करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मैं और ये मेरी जो उम्रा की एपिसोड होंगी 4-5, इनको लाजम देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और आपको भी अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, आपको अपने घर पे बुलाए, मेरी यही दुआ है। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।